तो सॉल्यूशन चैप्टर के पी वाई क्यूज कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। ओके, सेकंड टॉपिक चालू हो गया हमारा। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर एट 45 डिग्री सेल्सियस विद बेंजीन एंड ऑक्टेन इन द मोलर रेशियो ऑफ 3:5। ओके, 45 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सिर्फ बेंजीन इतना है, एमएम ऑफ एचजी ऑक्टेन का इतना है। देखो अगर मिक्सचर की बात करें तो पी इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी होता है, सॉरी नॉट पी नॉट ए, पी ए प्लस पी बी। ओके, और पी ए पी बी क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी ए को लिख सकते हैं एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी, और ये एक्स और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन से रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमें बेंजीन बेंजीन टू ऑक्टेन का रेशियो क्या दिया है, 3:2। तो बेंजीन का मोल रेशियो क्या हो जाएगा, 3/5, और पी नॉट ए कितना दिया है, 280, प्लस इसका क्या हो जाएगा, 2/5 इंटू कितना दिया है, 420। ओके, मैं यहाँ से डिवाइड नहीं कर रहा क्योंकि 5 है तो एडिंग करने में आसानी हो जाएगी। तो 28 इंटू 3 कर लो, 3 8 24, 3 2 6 एंड दिस 840 बाई 5 प्लस ये 420 का डबल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 840 बाई 5 अगेन। यहाँ पे मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, 8 3 कितना होता है, 24 6 84, और यहाँ पे भी 84। ओके ठीक है, तो 84 84, फिर मैं क्या करता हूँ इसको दोनों को ऐड करते हैं, 2 into 840 by 5। ओके, 5 से डिवाइड कर लो, 5 1 जा तो 3 बचा, 5 6 जा तो 4 बचा, 168 into twice, 168 का डबल कितना हो जाएगा, 168 168 इट वुड बी 16 12 13 236, सॉरी 336 236 नहीं, 336, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और कुछ नहीं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। देखो राउट्स लॉ कौन फॉलो करेगा, राउट्स लॉ विल बी फॉलोड बाई ओनली आइडियल गैस, सिर्फ आइडियल गैस और आइडियल गैस के मिक्सचर्स फॉलो करेंगे राउट लॉ। समझो आइडियल गैस नंबर 1 है और आइडियल गैस नंबर 2 है, इट विल फॉलो राउट्स लॉ, इट विल फॉलो राउट्स लॉ, इनका सोल्यूशन भी फॉलो करेगा राउट्स लॉ अगर आइडियल गैस है तो, मतलब आइडियल सोल्यूशन है तो। बट हमारा कोई भी सोल्यूशन आइडियल तो होता नहीं है, क्योंकि अगर आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे तो ए ए इंट्रैक्शन प्लस सॉरी ए ए इंट्रैक्शन शुड बी इक्वल टू बी बी इंट्रैक्शन शुड बी इक्वल टू आपका ए बी इंट्रैक्शन, दिस वुड बी आइडियल सोल्यूशन। आइडियल गैस नहीं, आइडियल सोल्यूशन ही होना चाहिए, बट हमेशा हमें पता है कि या तो सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा या तो सोल्यूशन में ज़्यादा होगा इंट्रैक्शन। ओके, तो किस में क्या ज़्यादा होगा, तो क्या पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा वो ध्यान में रखना है आपको। देखो जब हम लोग बात करते हैं ए ए इंट्रैक्शंस या बी बी इंट्रैक्शंस ग्रेटर देन ए बी इंट्रैक्शन, मतलब ए बी इंट्रैक्शंस वीक रहेंगे तब, क्योंकि ए बी इंट्रैक्शन वीक हो गया, मतलब इनके बीच में ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं, तो जैसे ही आप मतलब हीट करना चालू करोगे, ओके जैसे ही आप उसको हीट करोगे तो इनके वेपर्स फटाफट निकल जाएंगे। ओके, क्योंकि वीक इंट्रैक्शन है, अगर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन रहेंगे तो रुक जाएंगे, तो इट विल शो पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन क्यों, क्योंकि कम टेम्परेचर पर इनका वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा, मतलब जो नॉर्मल इन लोग का पी नॉट रहता था, पी नॉट जो नॉर्मल रहता था उससे जल्दी इन लोग निकल जाएंगे क्योंकि वो इंट्रैक्शन ही नहीं है। ओके, ए ए में जितना इंट्रैक्शन था उससे कम आ जाएगा सोल्यूशन में, तो दिस इज नोन एज पॉजिटिव डिविएशन। तो पॉजिटिव डिविएशन में वीक इंट्रैक्शन होता है, और ए ए इंट्रैक्शन इक्वल टू नहीं, मतलब ए ए इंट्रैक्शन और बी बी इंट्रैक्शन कोई भी सोल्यूट का इंट्रैक्शन इसमें कम होना चाहिए। इस केस में क्या हो जाएगा, ए ए इंट्रैक्शन एंड बी बी इंट्रैक्शन इज लेस देन ए बी इंट्रैक्शन इज लेस देन ए बी इंट्रैक्शन, मतलब ए बी में इंट्रैक्शन स्ट्रांग होने चाहिए आपके। तो स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, मतलब ये एक दूसरे को जाने नहीं देंगे तो हम लोग जितने टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर निकल जाना चाहिए था उसके बहुत देर बाद निकलेगा, तो इट वुड शो नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। तो हमें क्या पूछा है, पॉजिटिव डिविएशन, तो हमें देखना है कि किसके बीच में इंट्रैक्शन कम हो जा रहे हैं। देखो बेंजीन एंड टोलिन इट फॉलोज राउट्स लॉ, इसमें प्योर मतलब नियरली आइडियल बोल सकते हो बेंजीन टोलिन को, क्लोरोफॉर्म एसीटोन क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन इथेनॉल एंड एसीटोन। देखो अगर इथेनॉल सिर्फ रहता तो इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इथेनॉल में OH मॉलिक्यूल्स में, एसीटोन डालने पर एसीटोन एक नॉन पोलर मतलब पोलर है बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पोलर मॉलिक्यूल में जो रहता है वो वांडरवाल फोर्स रहता है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले इसमें अगर आप पोलर मॉलिक्यूल डालोगे तो इसमें फिर वांडरवाल आ जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कम ही रहता है वांडरवाल, हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन वांडरवाल।
ओके और वॉन्डर वॉल में ही डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऐसे इंट्रैक्शंस होते हैं, तो ये यहाँ पे कम हो गया ना इंट्रैक्शन, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ कुछ एग्जांपल आप याद रख सकते हो तो भी अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए। ओके नाउ देखो इस केस में एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, क्लोरोफॉर्म क्या है CHCl3, इसमें ओ है ये Cl है। ओके क्या हो जाएगा, ये कार्बन से ये तीन Cl ने खींच लिया, ये ओ इसको देने लग जाएगा। ओके इस हाइड्रोजन को जो इस इधर से बॉन्डेड है इसको देने लग गया, यहाँ पे इंट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं तो इट विल शो नेगेटिव डिविएशन। ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये तो थर्ड एग्जांपल जो है क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन। देखो जब ये सेम टाइप के कुछ दिखेंगे जैसे क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन और फिर क्लोरोटोलिन ब्रोमोटोलिन, क्योंकि क्लोरो ब्रोमो है ना सेम सेम, तो ये आपका पॉजिटिव सॉरी ये आपका जीरो डिविएशन, मतलब आइडियल की तरह बिहेव करेगा ऐसे कुछ, तो कुछ कुछ आप याद कर सकते हो एग्जांपल्स। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अ सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स ए एंड बी एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस लॉ, आइडियल बिहेवियर। ओके गैस लॉ बार बार आ रहा है क्योंकि हम लोग आइडियल गैस के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, आइडियल सोल्यूशन के बारे में इतना बात नहीं करते। देखो अगर पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहा है तो उसका डेल्टा एच मिक्स एंड डेल्टा वी मिक्स शुड नॉट बी जीरो, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो ये दोनों तो हो गए नहीं। फिर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए ए बी बी आर स्ट्रॉगर देन ए बी, यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी के इंट्रैक्शन से ज़्यादा है इंडिविजुअल इंट्रैक्शन। अगर ये रहता तो ये नेगेटिव डिविएशन का आपका फॉर्मूला है, नेगेटिव डिविएशन का जो स्टेटमेंट है वो ये है, दिस इज नेगेटिव डिविएशन के लिए, ये पॉजिटिव डिविएशन के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। इफ वाटर सैचुरेटेड एयर द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज दिस मच, द टोटल प्रेशर ऑफ द सैचुरेटेड एयर इन 1.2 प्रेशर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर इज। ओके देखो क्या दिया है और क्या पूछा है लोगों, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ना। देखो वाटर सैचुरेटेड एयर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर मतलब वेट एयर लिख सकते हैं और ड्राई एयर लिख सकते हैं। वेट एयर मतलब वाटर वेपर्स का कितना है मोल फ्रैक्शन 0.02, ड्राई एयर का कितना होना चाहिए, दोनों का मिला के 1 होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 1 - 0.02 0.98 आ जाएगा। हमें क्या पूछा है टोटल प्रेशर, प्रेशर टोटल कितना होता है, पार्शियल प्रेशर, इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द सैचुरेटेड एयर इज दिस मच तो पार्शियल प्रेशर इज, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इज, पार्शियल प्रेशर को पीपी लिख देते हैं, इस टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर कितना दिया हमें 1.2, मोल फ्रैक्शन कितना है ड्राई एयर का पूछा है तो ड्राई एयर का मोल फ्रैक्शन 0.98, इसमें खाली यही ट्रिक था। वैसे तो हम पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन लिख लेते हैं, ये तो बात हो जाती है, बट इसमें वेट एयर का मोल फ्रैक्शन दिया है, आपको ड्राई एयर का मोल फ्रैक्शन ये करके निकाला था, यही थोड़ा सा ट्रिक था इस केस में। तो 1.2 इनटू 0.98 करोगे तो क्या आ जाएगा आपको 1.2, और ये अप्रॉक्सीमेटली 1 ले सकते हो तो 1.2 के आसपास ही आना चाहिए, तो इसको अगर अप्रॉक्सीमेट करोगे तो 1.2 आ जाएगा क्या आपको, तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर वेट अ मिनट मतलब आपको अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते क्योंकि इसको भी अप्रॉक्सीमेट करोगे इसको इसको बहुत सारे के देखो इन दोनों को अप्रॉक्सीमेट करोगे तो आपको 1.2 आंसर आ जाएगा, तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको अप्रॉक्सीमेट करूँ तो इसको ये जाएगा तो ये 1.2, ये जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, ये अगेन 1.2 हो जाएगा, तो इस केस में तो होगा नहीं, तो दोनों ऑप्शंस के लिए आपको चेक करना पड़ेगा और एक्यूरेट आंसर इज दिस। ओके यू नीड टू चेक, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कुछ चारा नहीं है। द मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन दिखाएगा, अगेन दिस हैज टू बी रिमेंबर दैट कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और देखो एजियोट्रोप क्या होता है, विच बॉइल्स एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, मतलब जो चीज कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर बॉइल होती है उसको बोलते हैं एजियोट्रोप। ओके उसको ऐसा एजियोट्रोप बोलते हैं। अभी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की बात करें इट विल बी शोन बाय, समझ में नहीं आएगा तो मैं लिख देता हूँ, देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप वुड बी शोन बाय सॉल्यूशन विच शोज नेगेटिव डिविएशन, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप वुड बी शोन बाय सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन। ओके तो इसमें से आपको याद रखना है वाटर और नाइट्रिक एसिड शोज नेगेटिव डिविएशन और उसके वजह से आपका ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप हो गया, तो 16th का ए इज अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेपर ओवर एन आइडियल 1.1:1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन टू टोलिन इज करेक्ट, अज्यूम दैट द टेंपरेचर इज कांस्टेंट 25, वेपर प्रेशर ऑफ एट 25 डिग्री ऑफ बेंजीन इतना दिया है, टोलिन इतना दिया, तो हमें देखना है कि किसका वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ टोलिन, इक्वल अमाउंट्स ऑफ बेंजीन टोलिन, नॉट इनफ इन्फॉर्मेशन, मोस्टली ये आंसर तो होता ही नहीं है, आंसर आना ही चाहिए आपको, तो ए बी सी ही चेक करेंगे आप। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व करना है उसको बेसिकली, देखो सबसे पहले आप ये फॉर्मूला लगाओगे P इज इक्वल टू P नॉट ए
एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. क्यों देखते हैं, देखो इसमें बोला है वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन हायर परसेंटेज ऑफ टोलिन. ये कहाँ से मालूम पड़ेगा हमें, ये कहाँ से मालूम पड़ेगा, वाई ए या वाई बी से. अभी एक्स ए और एक्स बी और वाई ए वाई बी क्या है, दीज आर द मोल फ्रैक्शंस इन सोल्यूशन. सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन कितना है बेंजीन और टोलिन का वो बताते हैं. वाई ए और वाई बी क्या बताएंगे, मोल फ्रैक्शन इन आपका वेपर फेज. वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या है बेंजीन और टोलिन का ये बताएंगे. ये कैसे आता है वाई ए वाई बी, देखो ये जो पी ए है, ये जो पी ए है ये क्या है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ, ये क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है क्या. तो हम लोग पार्शियल प्रेशर को क्या लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर इज टोटल प्रेशर इनटू आपका मोल फ्रैक्शन. ओके अभी हमें मोल फ्रैक्शन किधर निकालना है, वेपर फेज में. तो पार्शियल प्रेशर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए. टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, ये प्रेशर टोटल प्रेशर हो जाएगा पी इंटू वाई ए. तो वाई ए वुड बी पी नॉट ए एक्स ए अपॉन वाई ए. तो उसके सॉरी वाई वाई ए नहीं, नीचे पी आ जाएगा क्योंकि वाई ए तो यहाँ पे हो गया ना, तो यहाँ पे ए आ जाएगा पी टोटल. दिस वुड बी द पी टोटल, यहाँ पर आ जाएगा पी टोटल जो कि हम लोग ये पी निकालेंगे. तो इसीलिए हमें पी टोटल निकालना है. तो ये फॉर्मूला वाई के लिए भी आ जाएगा वाई भी. तो कौन ज़्यादा है उस बेसिस पे हम लोग निकाल देंगे. तो डेटा क्या दिया है उसके बेसिस पे निकालेंगे. देखो ये फॉर्मूले को इधर ही रहने दो, इसको मैं रफ कर देता हूँ इस साइड से. ओके तो डेटा क्या दिया है हमें वो देखना है अभी. लेट्स सी, यहाँ से कुछ गायब हो गया. हाँ ठीक है, तो डेटा दिया है हमें पी नॉट ए कितना है 12.8 किलो पास्कल में ही रहने दो, क्योंकि हमें पूरा पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लाना है, हमें स्टेटमेंट देखना है कौन ज़्यादा है कौन कम है कौन क्या इक्वल है देखना है हमें. एक्स ए क्या हो जाएगा 1:1 रेशियो में, तो इसका 1 और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ पी नॉट बी कितना है 3.85. तो 12.8/2 प्लस 3.85/2, मैं इसको क्या करता हूँ 3.84 ले लेता हूँ. तो ये क्या हो जाएगा 6.4 हो जाएगा, प्लस 3.84/2 करूँगा अगर मैं, ये हो जाएगा 1 ज़ा, ये 1 बचेगा यहाँ पे पॉइंट आ गया, 9 ज़ा 2 ज़ा 1.92. तो 6.40 1.92 ऐड कर दो 2, ये हो जाएगा आपका 13, ये हो जाएगा आपका 8, 8.32 के आसपास आपका आ जाएगा. मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन किया, यही आंसर है. इन लोग का आंसर आया 8.325 किलो पास्कल, मुझे आगे सेम. तो 8.32 किलो पास्कल. ठीक है, अभी वाई ए और वाई बी निकाल देते हैं. तो वाई ए क्या हो जाएगा आपका, वाई इज पी नॉट ए, मतलब पी नॉट ए क्या है, यही है क्या, मतलब पी नॉट ए एक्स है, मतलब ये पी ए विच इज इक्वल टू पी ए, यही है ना. तो पी ए क्या हो जाएगा आपका, पी ए इज 6.4 ले लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने डिवाइड किया ही है, अपॉन टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर इज आपका 8.32. ठीक, इसको यहाँ से मैं चला दूँ तो ये आ जाएगा 6, चलो रहने दो क्योंकि नीचे वो नीचे दोनों का टोटल प्रेशर है और हमें कंपेयर ही करना है 6.4 × 8.32. मैं सॉल्व क्यों नहीं कर रहा, अभी थोड़ी देर में समझेगा. वैसे ही वाई बी क्या हो जाएगा, वाई बी हो जाएगा 1.92 अपॉन 8.32. देखो इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा उसका मोल्स भी ज़्यादा, मतलब वो ज़्यादा कंटेंट प्रेजेंट है वेपर फेज में. तो यहाँ पे 1.92 से 1.92 और 6.4 में कौन ज़्यादा है, ये तो बच्चे को भी पता है कोई भी, 6.4 इज मोर. तो बेंजीन वाई ए किसको अज्यूम किया हमने, बेंजीन को, मतलब ए वाला टर्म बेंजीन को डेडिकेट कर दिया था इनडायरेक्टली जब मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो क्या आ जाएगा, बेंजीन इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी, हायर परसेंटेज बेंजीन का प्रेजेंट है. ओके तो हमें इस केस में थोड़ा सा देखो, ये तो आपको पता रहना चाहिए बट आपको थोड़ा लॉजिक भी लगाना चाहिए कि पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये आपने सॉल्व कर लिया क्योंकि हमें ये चाहिए, ये ले लिया तो फिर मुझे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका ज़्यादा इसका ये ज़्यादा, अगर न्यूमरेटर सेम रहता तो डिनोमिनेटर जिसका कम उसका मोल ज़्यादा, ऐसा हो जाता था. ओके तो ये दिमाग थोड़ा आपको बेसिक मैथ्स वाला लगाना पड़ेगा टू सेव योर टाइम. विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एन आइडियल सोल्यूशन. आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा वी मिक्स जीरो होता है, डेल्टा एच मिक्स जीरो होता है, और क्या जीरो होता है, डेल्टा वी मिक्स डेल्टा एच मिक्स, डेल्टा पी इज इक्वल पी ऑब्जर्व माइनस पी रॉड. हाँ मतलब दोनों ही प्रेशर इक्वल होते हैं ऑब्वियसली, ये भी मतलब डेल्टा पी जीरो हो जाता है, डेल्टा पी क्या है पी ऑब्जर्व और पी रॉड्स, ये भी जीरो हो जाता है. डेल्टा एस मिक्स जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब होगा जब भी डेल्टा एस इज पॉजिटिव, अगर डेल्टा एस जीरो होगा तो उस प्रोसेस होगा क्या, नहीं होगा, ये तो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी है. तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर.
पी ए एंड पी बी आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कॉम्पोनेंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ आइडियल बाइनरी सोल्यूशन. आइडियल बाइनरी सोल्यूशन बोला. इफ एक्स ए रिप्रेजेंट अ मोल फ्रैक्शन ऑफ द कॉम्पोनेंट ए टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई एक्स ए के टर्म में ही दिख रहा है क्या मुझे, तो इसको देख लेते हैं. देखो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. अभी हमें एक्स बी चाहिए ही नहीं क्योंकि एक्स बी मुझे टर्म में दिख ही नहीं रहा है कोई भी ऑप्शन में. तो एक्स बी को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन पता है हमें. तो एक्स बी क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स ए. तो लिख दो इसको पी नॉट ए एक्स ए प्लस वन माइनस एक्स ए पी नॉट बी. फिर लिख दो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए. अभी पी नॉट बी को साइड में लो, फिर इसमें से कॉमन ले लो एक्स ए. एक्स ए कॉमन ले लिया तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी आ गया क्या. देखो पी नॉट बी सॉरी मतलब पी पी बी पी बी ही ले लिया तो पी नॉट की बात ही नहीं है. तो पी बी पी बी पी बी पी ए आ गया यहाँ पे और फर्स्ट ऑप्शन में भी शायद ए दिया तो ये भी चला जाएगा आपका. फर्स्ट ऑप्शन में ए दिया है तो ये भी चला गया, ये भी चला गया ऑप्शन, तो ये नहीं आ रहा. पी बी आएगा फिर एक्स ए बाहर पी बी माइनस पी ए पी ए माइनस पी बी. तो हमें क्या है पी ए माइनस पी बी. तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला मैच होता है. ओके इजी क्वेश्चन था. वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 25 आर दिस एंड दिस. द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग दिस मच ग्राम एट सेम टेम्परेचर वुड बी. देखो इसमें खाली हमें मोल्स निकालने को लगाया है, फिर मोल फ्रैक्शन निकालोगे फिर जाके आप फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे ये वाला. देखते हैं. तो देखो सबसे पहले आप मोल्स निकालोगे. मोल्स ऑफ मैं क्लोरोफॉर्म लिख देता हूँ. क्लोरोफॉर्म का मास कितना दिया 25.5 ग्राम. क्लोरोफॉर्म का मॉलिकुलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म इज 119.5. तो ये आ जाएगा 255 बाय 1950 1001 हिंदी में नहीं आ रहा है मतलब 1195 छोड़ो. एन सी एच टू सी एल टू क्या हो जाएगा, इसका मास कितना दिया है आपको, दिया है 40 और नीचे आ जाएगा 85. ओके फिर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप ये कर दोगे. एक इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं. तो पी नॉट ए कितना दिया है 200 इंटू आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस 415 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. सॉल्व नहीं करना पड़ेगा और कोई चारा तो है नहीं इसमें. देखते हैं देखो इसको अगर मैं पूरा सॉल्व करूँ और इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा. देखो ये 255 वाला है और ये 1000 वाला है. अगर 200 और 1000 का रिलेशन रहता तो 1/5 आ जाता था डायरेक्टली, बट ये 1/5 नहीं आएगा, 4.5 ले लेता हूँ क्योंकि 4 से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, 5 से थोड़ा कम ही आएगा. क्योंकि 5 से करोगे ये अप्रॉक्सीमेटली 1200 के आसपास रहेगा, ये 55 भी है ना इसीलिए. तो 1.45 आ जाएगा इसका कुछ. इसका अगर करोगे तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं 5 से डिवाइड कर लो, 5 से डिवाइड करोगे आपका 1, ये 3 बचा 17, 8/17. अगर ये 16 रहता तो 1/2 हो जाता था, बट 1/2 कुछ होगा, 2 समझो 1 ले लेते, थोड़ा सा बढ़ा है तो 2.1 ले लिया. तो 1/2.1 1/4.1 हो गया. अभी अगर इसका इनवर्स कर ही लें अगर हम लोग, ओके ये आ जाएगा 10, तो 10/45 ये आ जाएगा 10/21. ओके तो अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको 0.5 ले ही लेता हूँ. ओके और क्या कर सकते हैं इसमें, 5 से डिवाइड करो 9 सा, 5 से डिवाइड करो 2 सा, तो 2/9 अगेन 4.5 ही आ गया. हम लोग 2/9 डिवाइड करके देख ही लेते हैं, मतलब अभी हमें सो सॉल्व करना है थोड़ा सा. ओके 2/9 इज अप्रॉक्सीमेटली 0.2 क्योंकि इसको हम लोग 10 अब मान लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.2 हो ही जाएगा. ठीक है तो 0.2 आ गया ये, 0.5 आ गया ये. तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 क्लोरोफॉर्म का ऊपर 0.2 और ये 0.2 × 0.5 0.7 प्लस ये हो जाएगा 415 × 0.5/0.7. 0.7 को हाथ मत लगाओ, मतलब 7 को हाथ मत लगाओ, यहाँ से 0 चले जाएंगे. ये हो जाएगा 400/7 प्लस 415 × 5 ये हो जाएगा 25. ये हो जाएगा 5 × 5 + 2 = 7 ये हो जाएगा 2075/7. इन दोनों का ऐड कर दो 2075 + 400 तो 5742 2475/7. अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 7 × 3 = 21 तो फिर 7 × 3 = 21 3 बचेगा 37 हो गया. 7 अप्रॉक्सीमेटली 5 = 35 फिर 2 बचेगा 7
अगेन 3 था, तो 353 के पास पास आंसर आ रहा है. ओके देखते हैं सब ऑप्शन मिल रहा है क्या, नहीं तो हमारा पूरा मेहनत पानी में चला जाएगा. तो 20 का ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है, जो कि हमें 355 के आसपास का एक ही आंसर है. ओके अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल, इसके बारे में हमने पढ़ा था क्या, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. अब भी जस्ट स्टार्टिंग में कहाँ डिस्कस किया, दिखा भी देता हूँ मैं आपको ना. ये क्या है पॉजिटिव डिविएशन, कौन है एसीटोन और इथेनॉल, तो इन लोगों ने पूछ लिया इथेनॉल और एसीटोन क्या दिखाता है, वही हो गया ना, मतलब मेरा नाम नीलेश है तो मेरा नाम क्या है. ओके ऐसे ही पूछने वाली बात हो गई कि आपको ए प्लस बी इज सी, तो सी माइनस बी क्या है, वही आ जाएगा. द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स पी एंड क्यू आर 80 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ऑब्टेंड बाय 3 मोल्स ऑफ पी एंड 2 मोल्स ऑफ क्यू. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. पी का क्या है 80 इंटू पी का मोल्स कितने हैं 3/5 प्लस इसका है 60 2/5. इस क्वेश्चन को देखो, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आप एक्साइटेड हो जाओगे, आप गलत कर बैठोगे थोड़ा सा. ओके तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से करो इसको. ओके हो जाएगा 16 ही होता है ना, हाँ 48 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा 672, तो 72 टॉर. ओके द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ फॉर्म टू कंपोनेंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्यूट, सेपरेटेड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स. अच्छा समझा, मतलब प्योर सॉल्वेंट का क्या दिया है, प्योर सॉल्वेंट सेपरेटेड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डेल्टा एच वन, प्योर सॉल्यूट का डेल्टा एच क्या है डेल्टा एच टू, सेपरेटेड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का डेल्टा एच थ्री. सो सॉल्यूशन फॉर्म्ड विल बी आइडियल इफ, देखो प्योर सॉल्वेंट को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो डेल्टा एच, प्योर सॉल्वेंट का एंथैल्पी कितना है डेल्टा एच वन. ओके इसका है डेल्टा एच वन. प्योर सॉल्यूट का कितना है डेल्टा एच टू. फिर प्योर सेपरेटेड सॉल्वेंट सॉल्यूट का क्या है डेल्टा एच थ्री. तीनों का अगर हम लोग देखेंगे, सेपरेटेड वाले का, सेपरेटेड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का डेल्टा एच थ्री, इन लोग का प्योर प्योर का ये है, सब मिला के जीरो होना चाहिए, तो फुल शुड बी इक्वल टू जीरो. डेल्टा एच सॉल्यूशन सबके इक्वल होना चाहिए, सबके सम के इक्वल होना चाहिए, जीरो मतलब डेल्टा एच सॉल्यूशन हो जाना चाहिए, तभी माइनस करेंगे तो डेल्टा एच मिक्स जीरो आएगा ना. डेल्टा एच सॉल्यूशन शुड बी इक्वल टू द प्लस ऑफ, ये दिया है यहाँ पे, यही मिल गया ना इसको, ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा. ओके अ सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट्स ए एंड बी फॉलोज राउल्ट्स लॉ व्हेन ए बी इंटरेक्शन ग्रेटर लेस नहीं रिमेन सेम, सेम आना चाहिए. फॉलोज राउल्ट्स लॉ, ग्रेटर हो गया अगर इंटरेक्शन ग्रेटर हो गया तो नेगेटिव डिविएशन, लेस हो गया तो पॉजिटिव डिविएशन, ये आपको पता रहना चाहिए अब तक. फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम द सम, नहीं आइडियल सॉल्यूशन तो डेल्टा वी मिक्स भी जीरो आना चाहिए. ओके द बीन्स आर कुक्ड अर्लियर इन प्रेशर कुकर बिकॉज, क्यों ऐसा होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग प्रेशर, इंटरनल एनर्जी इज नॉट लॉस्ट वाइल कुकिंग इन प्रेशर कुकर, एक्स्ट्रा प्रेशर कुकर, एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ प्रेशर कुकर सॉफ्टेंस द बीन, ऐसा कुछ नहीं होता है. ये दोनों तो गलत ही है, एक्स्ट्रा प्रेशर कुकर प्रेशर की वजह से कुछ नहीं होता है. इट इज ड्यू टू बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद आपका टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा. ओके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा. ये कुछ कुछ चीज़ें आप याद रख लोगे तो अच्छी बात होगी. ओके प्रेशर के साथ बॉइलिंग पॉइंट उड़ते, तो प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन इनवर्स टू फ्रीजिंग पॉइंट. तो पहाड़ पे जाके आप करोगे, पहाड़ पे जाके खाना बनाओगे तो आपका मतलब दाल जल्दी उबल जाएगा क्योंकि तो प्रेशर कम है ऑब्वियसली. क्योंकि देखो प्रेशर कैसे होता है, प्रेशर हम लोग ये कैसे करते हैं, ये आपका अर्थ सरफेस है, ये आपका एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का इतना बड़ा कॉलम आपके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं यहाँ पे. तो अगर आप इतने हाइट पे चले जाओगे तो आपका इतना कॉलम ही लगाएगा प्रेशर, तो ऑब्वियसली इतने कॉलम का और इतने कॉलम का प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या है दिस एरिया दिस वॉल्यूम, मतलब इसमें कितना वॉल्यूम है उसका कितना एरिया आपको प्रेशर लगा रहा है. तो ये जितना लेंथ डिक्रीज हो गया तो मास भी डिक्रीज होगा, प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा. ओके तो इसलिए जितना ऊपर जाएगा प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो प्रेशर डिक्रीज होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है. ओके तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर. तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया तो मतलब बीन्स थोड़े बहुत, मतलब बहुत थोड़े ज़्यादा देर तक उसमें रुकेंगे. अगर आप इसी बीन्स को पहाड़ पे जाके ये करना चाहोगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा. क्यों देखो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो गया. अगर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया आपका पानी फटाक से उबल के वेपर बन जाएगा, तो आपका बीन पकेगा क्या, नहीं. क्योंकि जब भी देखो खाना बनाने का प्रक्रिया सीख रहे हैं अभी हम लोग, बीन्स पानी में है. ओके अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया तो बीन्स पानी उबलता रहेगा. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब भी वेपर फॉर्म होना चालू होगा
अगर बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है तो वेपर फटाफट बन के निकल जाएंगे और खाली बीन्स ही बच जाएंगे, कच्चे कच्चे वाले, क्योंकि पानी में इन लोगों को ज़्यादा टाइम रुकने मिला ही नहीं, तो पानी का इंटरनल एनर्जी इसके अंदर आएगा नहीं तो ये पकेगा ही नहीं। अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया तो गर्म पानी में बहुत देर तक रहे तो गर्म पानी का इंटरनल एनर्जी लेके ये पक जाएंगे। ओके, तो ऐसा हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है इन प्रेशर कुकर, ये आपको याद रहना चाहिए। अच्छा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखते हैं आगे नेक्स्ट। ओके।